यह है यहाँ का गुलमर्ग में मेन स्टेशन, यहाँ से आपको शेयरिंग कैब मिल जाएगा, क्योंकि हम लोग मेन गुलमर्ग में स्टे नहीं कर रहे हैं, हम लोग टनमार्ग में स्टे कर रहे हैं। तो यहाँ से आपको सुमो या फिर टवेरा शेयरिंग कैब आपको मिल जाएगा, और उसका पर पर्सन के हिसाब से आपका 70-80 रुपीज़ पर पर्सन का चार्ज रहेगा। और एक छोटा सा मार्केट, जैसे आप गुलमर्ग में पहुँचते हो तो एक छोटा सा मार्केट आपको मिलेगा, जहाँ पे आप मैगी मोमोज या फिर स्कीइंग करने का शौक़ रखते हैं तो ये सब कुछ आपको यहाँ पे मिलेगा। और कुछ लोग यहाँ पे लैगेज ले जाने का काम करते हैं, तो वो लोग हमें मिले नहीं, अदरवाइज़ यहाँ पे वो लोग घूमते रहते हैं। और कभी भी आपको अपना लैगेज यहाँ से कैरी करना है तो स्लेज में आप लेके जा सकते हो। और सुमो के अलावा भी अगर आप कभी यहाँ पर बाई रोड या फिर ऐसे घूमना चाहते हो तो आपको यहाँ पर ATV बाइक मिल जाएगी, तो उसमें आप बाई रोड के हिसाब से घूम सकते हो। और गुलमर्ग, मेन गुलमर्ग में एक क्या होता है, कभी कभार यहाँ पे जो सिम रहता है आपका, एक पोस्ट पेड सिम आपका चलता है, तो इंडिया में जो सिम आपने ले रखा है वो सिम आपका इन लद्दाख आपके कश्मीर वाले कश्मीर पे आपका वो सिम काम नहीं करेगा। तो अगर आप यहाँ से पोस्ट पेड सिम लेते हो तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ये ATP बाइक टाइप रहेगा जिसमें आप जिनमें आप जा सकते हो, जिसके बारे में बता रहा था। और इधर ही पास में एक ATM का भी आपको मिल जाएगा, गुलमर्ग में आपका ATM है, टनमार्ग में ATM है, कहीं से भी अगर आपको कैश की प्रॉब्लम होती है तो कैश आप लेके रखिए। यहाँ पे वैसे ATM अवेलेबल हैं, लेकिन कभी कभार क्या होता है ऐसी डेस्टिनेशन में आप आ गए तो आपको यहाँ पे स्कीइंग और ये सब कुछ करना होता है, तो फिर आपके पास कुछ ज़्यादा पैसा नहीं होता है, तो पैसा होने के लिए यहाँ पे ATM में कभी कभार पैसा नहीं रहता। और एक छोटा सा और एक मार्केट, यहाँ से आपको रेंटल या फिर आपको ख़रीदना है ये सब कुछ आपको मिल जाएगा। एक चिप्स की शॉप, ये लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, और हर एक जगह पे बैठ करके स्नूप के साथ में खाने का कुछ मजा ही अलग है। और ये ATV बाइक्स यहाँ पे होती है, फोर बाई फोर जिप्सी, वैसे तो यहाँ पे सारी गाड़ियाँ चलती है क्योंकि मॉर्निंग टाइम टाइमली रोड को क्लीन कर लिया जाता है। और ये देख सकते हो आप, एक मार्केट, काफ़ी सुंदर मार्केट। आइए यहाँ पर और कश्मीर को एंजॉय कीजिए, बहुत ही सुंदर है कश्मीर। और अब यहाँ से वापसी, ये स्लोप है और इससे आप बाई वॉक या फिर आपके पास ऑप्शन है कि आप स्लेज में जा सकते हो या फिर स्नो स्कूटर को यहाँ से रेंट पर बुक करके पूरे स्लोप पर, पूरे गोल्फ ग्राउंड, क्योंकि समर में यहाँ पर जब स्नो नहीं होती है तो गोल्फ खेला जाता है, इसलिए एरिया का नाम है गोल्फ ग्राउंड। आपके पास ऑप्शन होता है या फिर आप बाई वॉक जाइए या फिर स्लेज या फिर स्नो स्कूटर, ये चार से पांच आपके पास ऑप्शंस रहेंगे, अदरवाइज आपको बाई वॉक जाना होगा। और आगे काफ़ी तगड़ी स्नोफॉल हो रही है माउंटेन पे, और कल वहाँ पे भी स्कीइंग स्नोबोर्ड का भी इवेंट होना है,
सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ पे गंडोला है, आपको बाई वॉक नहीं जाना पड़ेगा, गंडोला है और गंडोला से जाएंगे आप लोग। और जैसे आपने लाइक वाली में देखा होगा कि जो चिया लिफ्ट पॉइंट बना हुआ है वो सारे लोग को अलाउ करते हैं पब्लिक को, लेकिन वहाँ पे जो चिया लिफ्ट बना हुआ है ओनली फॉर स्की पार्टिसिपेंट के लिए बना हुआ है, जो स्की को जानते हैं, जो स्नो बोर्ड चलाना जानते हैं, वो लोग वहाँ से चिया लिफ्ट में जा सकते हैं। अदरवाइज जो लोग नहीं जानते हैं उनको बाई वॉक या फिर वहाँ पे एक और गंडोला चलता है, क्योंकि एशियाज लार्जेस्ट एंड लॉन्गेस्ट गंडोला में आते हैं नंबर वन, एंड सेकंड लार्जेस्ट ओली में आपका आता है। आपके पास चांस है कि अगर आपको माउंटेन के टॉप पे ही जाना है तो माउंटेन के उस टॉप पे आपको गंडोला से जाना होगा। गंडोला सेकंड फेज, एक गंडोला क्या होता है कि फर्स्ट फेज में चलता है, सेकंड वन इज एक आपका सेकंड फेज से स्टार्ट होता है और पूरी टॉप पे आपको ड्रॉप करेगा। यह स्लेज, ये आप यहाँ से रेंट पर ले सकते हो अगर आपको गोल्फ ग्राउंड घूमना है या फिर स्की पॉइंट जाना है, और यहाँ से आपको गम बूट्स, ग्लव्स, स्नो स्कीन, ये सब कुछ मिल जाएगा, जैकेट, जो रेंटल इक्विपमेंट होता है वो सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और इनका ये मेन पॉइंट है जहाँ पे बहुत सारा टूरिस्ट आता है, और यहाँ से आपको टूरिस्ट को ले जाने के लिए यहाँ पे काफ़ी गाइड्स और स्लेज वाले बंदे मिल जाएंगे। और यह डिब्रू जी एज ए कोच हमारे साथ आए हुए हैं, तो डिब्रू जी क्या कुछ कहना चाहोगे गुलमर्ग के बारे में? लेकिन इससे भी जन्नत हमारा ओली में है, आप ओली आइए एक बार जरूर जरूर श्योर, ओली का आप नज़ारा देखिए, आपको ओली के नज़ारे मिलेंगे, जो मज़ा ओली में है वो यहाँ पे नहीं है। और बहुत सारी एक्टिविटी है, इससे सबसे बड़ी रोपवे है वहाँ पे, चेयर कार है, इसकी लिफ्ट है, किसी भी चीज़ की कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ओली में, आप ओली आइए और मज़े से इंजॉय कीजिए। सो नेक्स्ट टाइम हम ओली में जाना स्टार्ट करेंगे कि ओली में भी क्या कुछ देखने को मिलेगा। इससे पहले मेरी जो वीडियो आई है वो ओली से ही आई है, लाइक कोर्स हमने वहाँ पे कराया था स्की का, तो स्की का भी मेरा वीडियो आपने यूट्यूब पे देखा होगा, तो ज्वाइन करते रहिए दोस्तों हमारे ग्रुप को। अगर आपको भी गुलमर्ग, मनाली एंड कश्मीर, ओली, जो इंडिया के तीन स्नो डेस्टिनेशन हैं, वहाँ पे घूमने का और देखने का आप घूमना चाहते हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और बेसिकली अगर आपको ट्रैकिंग या फिर ऐसी कुछ चीज़ें करनी होती है तो हमारा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और हमारी टीम को ज्वाइन कीजिए। मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू दोस्तों।